की फीडबैक। फीडबैक क्या होता है दोस्तों? कस्टमर के खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद हम उनसे जाकर पूछते हैं कि सर खाना कैसा लगा या टेस्ट कैसा है, तो कस्टमर जो अपनी राय या अपनी जो सलाह देते हैं उसे हम फीडबैक कहते हैं। इससे हमारी कमी या खासियत का पता चलता है। अगर हम में कोई कमी है तो उस कमी को हम दूर कर सकते हैं, और अगर कोई खासियत है जो कस्टमर को पसंद आ रही है तो उसे हम लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों फीडबैक लेने के कई और फायदे हैं, जैसे कई होटलों में तो फीडबैक की एक पर्ची बना के रखते हैं, फॉर्म बना के रखते हैं, और बिल के साथ कस्टमर को फिल करने के लिए बोलते हैं, उस फॉर्म को भरने के लिए बोलते हैं, जिसमें कस्टमर के नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब लिखा होता है और कस्टमर को ये सब भरना होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कस्टमर के डाटा सेव होते जाते हैं। कस्टमर के जो डाटा रहते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि कब किसका बर्थडे है, कब किसका एनिवर्सरी है, और इस हिसाब से हम उन्हें फ़ोन करके होटल की तरफ से विश कर सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे सर, आज आपका हैप्पी बर्थडे है, हमारे होटल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमारे होटल में आइए, कुछ डिस्काउंट के साथ आपका अच्छे से अरेंजमेंट कर देंगे, यहाँ पार्टी सेलिब्रेट कीजिए। अगर कस्टमर आपकी सर्विस और खाने से 100% सेटिस्फाई है तो 100% आप ही के होटल में खाना खाने आएगा या पार्टी सेलिब्रेट करने आएगा। इस तरह से होटल के बिजनेस ग्रोथ में फीडबैक की बहुत अहम भूमिका होती है, या फिर फीडबैक का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, होटल के द्वारा चलाए जा रहे ऑफर्स या फेस्टिवल में मिल रहे ऑफर्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम कॉल या सीधे व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर को अपने होटल में आने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह से फीडबैक लेने के बहुत फायदे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर होटल में लेना चाहिए। ठीक है।